गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमए फाइनल की इस क्लास में हम लोग इससे पहले रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में पढ़ चुके हैं और रिसर्च डिज़ाइन या अनुसंधान प्ररचना के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम जब रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम किसी भी विषय पर शोध करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है शोध समस्या का चयन, और शोध समस्या के चयन के पश्चात हम एक डिज़ाइन बनाते हैं जिसे प्रारूप भी कह सकते हैं, जिसे रिसर्च अभिकल्प भी कह सकते हैं, अनुसंधान अभिकल्प के नाम से भी जाना जाता है। वो एक तरह की योजना होती है जिसके माध्यम से हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में जब हम बात करते हैं, जब हमने अपना शोध समस्या का चयन कर लिया और शोध समस्या के चयन के बाद हमने रिसर्च डिज़ाइन भी बना लिया, उसके बाद सबसे ज़रूरी होता है डेटास का कलेक्शन, मतलब आंकड़ों का संकलन। रिसर्च में, हमारे शोध में जो जो मतलब डेटा हमें इकट्ठे करने हैं, जो तथ्य इकट्ठे करने हैं, उन तथ्यों को हम किस प्रकार से एकत्रित करेंगे जो हमारे शोध के लिए यूज़फुल हो। इसी क्रम में हम बात करते हैं आंकड़ों के संकलन की। तो सामाजिक अनुसंधान में शोध समस्या एवं उपकल्पना के चयन के पश्चात शोध का उद्देश्य आंकड़ों के संकलन का होता है, और शोधकर्ता का मुख्य लक्ष्य जो होता है वो ऐसी तथ्य सामग्री का चयन करना है जो उसकी उपकल्पनाओं का या तो समर्थन करती हो या पूर्व में बनाई गई उपकल्पना को अस्वीकार करती हो। इसलिए अनुसंधान में उपकल्पनाएं ही आंकड़ों के स्रोत का निर्धारण करती है। अनुसंधान में आंकड़ों के संकलन का कार्य प्राथमिक होता है। कल्पनाओं, विश्वासों अथवा सामान्य मान्यताओं के आधार पर विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तार्किक परिणामों को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर होता है। सामाजिक अनुसंधान में क्षेत्रीय अथवा प्रलेखीय आधार पर हम जो भी सामग्री एकत्रित करते हैं वह आंकड़ा कहलाती है, और आंकड़ा शब्द से हमारा अभिप्राय प्रत्युत्तरों के अभिलेखन से है। समाज विज्ञानों में आंकड़ों के संकलन की सामान्य संरचना होती है और इसके विभिन्न अंग होते हैं, और उन अंगों में विश्लेषण की इकाइयाँ, चर, अध्ययन किए गए चरों पर इकाइयों के मूल्य अथवा प्रत्युत्तर अथवा प्रतिदान, इन अंगों के माध्यम से या इन मतलब इन स्टेप्स के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन करते हैं। जॉन गाल्टुंग ने आंकड़ों के संकलन से संबंधित निम्नांकित सिद्धांतों का उल्लेख किया है, वो इसमें कुछ अलग तरीके के सिद्धांतों का बताते हैं। उसमें पहला है तुलनात्मकता का सिद्धांत, मतलब दो तरह के आंकड़ों में कंपैरिजन करके हमें आंकड़ों का संकलन करना चाहिए। दूसरा है वर्गीकरण का सिद्धांत, मतलब अलग अलग भागों में बांटकर हमें अपने शोध के विषय को और उसके आधार पर डेटास का कलेक्शन करना चाहिए। फिर है पूर्णता का सिद्धांत, अभ्यंतर रागात्मकता अथवा विश्वसनीयता का सिद्धांत, अंतर रागात्मकता का सिद्धांत और प्रामाणिकता का सिद्धांत। तो इस प्रकार से हम अपने सामाजिक अनुसंधान में, सामाजिक शोध में विभिन्न प्रकार से आंकड़ों का संकलन करते हैं। अब बात आती है आंकड़ों के संकलन के महत्व की। तो आंकड़ों के संकलन के महत्व में सबसे ज़रूरी होता है कि जो आंकड़े होते हैं ये बेसिकली अनुसंधान का आधार होते हैं। अगर हम आंकड़ों का कलेक्शन नहीं करेंगे तो हम अनुसंधान को आगे किस प्रकार से बढ़ाएंगे। दूसरी बात करते हैं कार्यकारण संबंध की खोज। कार्यकारण संबंध की खोज से मतलब ये है कि हम विभिन्न प्रकार के जो डेटास का कलेक्शन करते हैं उनके बीच में कोई भी घटना अगर घटती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, और वो जो कारण होता है उस कारण का पता लगाना, उनके बीच के संबंधों का पता लगाना, यही अनुसंधानकर्ता का एम होता है। फिर हम बात करते हैं यथार्थ का बोध। यथार्थ का बोध मतलब रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। हम जिस शोध समस्या का चयन कर रहे हैं, जिस विषय पर हम शोध कर रहे हैं उससे संबंधित सभी जो डेटाज हैं, सभी जो आंकड़े हैं, उससे संबंधित जो जानकारियां हैं उनका हमें कलेक्शन करना होता है। और नंबर चार है समस्या के निदान में सहायक, मतलब एक अनुसंधानकर्ता, एक शोधकर्ता जब शोध क्षेत्र में जाता है और क्षेत्र में जाकर के अपने शोध समस्या से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित करता है तो वो आंकड़े उसकी शोध समस्या के निदान में सहायक होने चाहिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययनों में सहायक, मतलब एक अनुसंधानकर्ता को, एक शोधकर्ता को ऐसे डेटास का कलेक्शन करना चाहिए जो कंपैरेटिव स्टडीज़ में उसकी हेल्प कर सके, मतलब दो तरह के आंकड़े एकत्रित करें और दो तरह के आंकड़े एकत्रित करके उनकी तुलना करें। तो तुलना करने के बाद जब दोनों के रिज़ल्ट समान आते हैं तो इसका मतलब आपके द्वारा जो डेटास कलेक्ट किए गए हैं वो प्रामाणिक है। फिर है परिवर्तन के अध्ययन में सहायक, मतलब हो सकता है जिस शोध समस्या का चयन आज हम कर रहे हैं उसी पे 10 साल पहले भी काम हुआ हो और इन 10 सालों में जो जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों को एक शोधकर्ता को अपने शोध में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रशासन में महत्व की, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में विभिन्न प्रकार के जो शोध होते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के डेटास का कलेक्शन होता रहता है, उससे योजनाओं के निर्माण में बहुत सहायता मिलती है और उसके आधार पे विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण होता है जो जनता के लिए बनाई जाती है। उसके बाद है नियोजन में आवश्यक, मतलब जब हम डेटास का कलेक्शन करते हैं तो किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की या किसी हमें अपने शोध विषय को आगे बढ़ाने, समाज को आगे बढ़ाने में ये जो डेटास हैं वो बहुत ज़्यादा महत्व, वो बहुत ज़्यादा उसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने आंकड़ों के संग्रहण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है, मैं आप लोगों को वह भी बताना चाहूँगी। नंबर वन, आंकड़ों को उचित एवं संक्षिप्त होना चाहिए, आंकड़े विश्वसनीय होने चाहिए, आंकड़ों को अर्थपूर्ण एवं उपयुक्त होना चाहिए, आंकड़ा संग्रह की योजना लचीली होनी चाहिए, आंकड़ा संग्रह की योजना को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, आंकड़ा संग्रह की योजना सूक्ष्म, सरल एवं प्रायोगिक होनी चाहिए, आंकड़ा संग्रह योजना में संभावित परिणामों की आशा पूर्व में कर लेनी चाहिए, धन, कर्मचारियों एवं समय संबंधी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए योजना का निर्माण किया जाना चाहिए, प्रयासों की पुनरावृत्ति एवं अनावश्यक बर्बादी को रोकना चाहिए, सूचना संग्रहण उत्तरदाताओं की सुविधा के अनुसार होना चाहिए, आंकड़ा संग्रहण की कार्य रीति का पूर्व परीक्षण कर लिया जाना चाहिए, और नंबर 12, सूचना संग्रहण के समय सौहार्दपूर्ण जन संबंधों की स्थापना भी की जानी चाहिए। नंबर 13 जो सुरेंद्र सिंह कहते हैं, नंबर 13, अनुसंधान उपकरण प्रायोगिक, स्पष्ट, आवश्यक निर्देशों से युक्त तथा आकर्षक होने चाहिए। नंबर 14, अनुसंधान में प्रयुक्त शब्द वाक्यांश सरल एवं बोधगम्य होने चाहिए, अनुसंधानकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं को उत्तर देने हेतु स्पष्ट एवं विस्तृत निर्देश प्रदान किए जाने चाहिए, संसाधन क्षमता बढ़ाने हेतु संकेतीकरण एवं छिद्रण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, आंकड़ों के प्रभावपूर्ण संग्रहण के लिए संबंधित कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, कर्मचारियों को अपने परिचय पत्र साथ ले जाने चाहिए, सूचना प्रतिवेदन में उत्तरदाताओं का परिचय नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे जो सूचनाएं दी जा रही है, जो डेटास का कलेक्शन है वो निष्पक्ष हो, किसी भी एक के प्रति झुका हुआ ना हो। अब हम बात करते हैं आंकड़ों के प्रकार की। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक है प्राथमिक और दूसरे हैं द्वितीयक। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट ही प्राप्त करते हैं। इसके बाद जब हम आंकड़ों के स्रोत की बात करते हैं तो जो प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत होते हैं उसमें हम अवलोकन, साक्षात्कार, मौखिक छानबीन, अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत, इनको हम रख सकते हैं। द्वितीयक स्रोत में व्यक्तिगत प्रलेख, जीवन इतिहास, डायरियां, पत्र, संस्मरण, मतलब जो हम डायरेक्ट व्यक्ति से इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, जो पूर्व में लिखे जा चुके हैं और पूर्व में उपलब्ध करवा दिए गए हैं और पूर्व में उपलब्ध करवाने के पश्चात उसको हम अपने अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। आंकड़ों के स्रोत को अगर हम एक टेबल फॉर्म में प्रस्तुत करना चाहें तो टेबल फॉर्म में आंकड़े दो तरह के होते हैं, प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत, द्वितीयक या प्रलेखीय स्रोत। उसमें प्राथमिक में भी दो तरह के आंकड़े होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हम अवलोकन और मौखिक छानबीन को रख सकते हैं और अप्रत्यक्ष में हम प्रश्नावली, मतपत्र, रेडियो, दूरदर्शन, इनको रख सकते हैं।
मौखिक छानबीन में हम अनुसूचियाँ और साक्षात्कार को सम्मिलित कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम द्वितीय के प्रलेखीय स्रोत के बारे में बात करते हैं तो उसमें व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख में जीवन इतिहास, डायरियाँ, पत्र, संस्मरण आदि को हम सम्मिलित करते हैं, और सार्वजनिक प्रलेख में दो तरह के स्रोत होते हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित। प्रकाशित में जैसे विभिन्न प्रतिवेदन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आयोग, परिषदें तथा समितियां, शोध संस्थान इत्यादि के द्वारा जो समय समय पर प्रकाशित किए जाते हैं, उन प्रकाशित प्रतिवेदनों को हम अपने अध्ययन में सम्मिलित करेंगे। और उसी में अन्य स्रोत सरकारी गजेटियर, पुस्तकें, संदर्भ सूचियां, आंकड़ों के बुलेटिन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इनको भी हम अपने आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत में प्रकाशित के क्रम में ही अपने अध्ययन में सम्मिलित करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राथमिक स्रोतों के गुण की। प्राथमिक स्रोतों के जो गुण हैं उसमें सबसे पहला है विश्वसनीयता। वो विश्वसनीय होते हैं क्योंकि शोधकर्ता ने खुद क्षेत्र में जाकर के उनको कलेक्ट किया है। दूसरा होता है स्वाभाविकता, मतलब उनमें बिल्कुल नेचुरल वो होगा क्योंकि वो शोधकर्ता ने अपने अध्ययन के जो एरिया है, अपने अध्ययन के एरिया में जाकर उसको खुद कलेक्ट किया है। फिर है वैश्विकता, मतलब विषय से संबंधित ही होते हैं और ये कम खर्चीले होते हैं क्योंकि शोधकर्ता शोध क्षेत्र में जाता है और वहाँ जाकर के अपने लिए डेटास का कलेक्शन करता है। फिर हम द्वितीयक स्रोतों के गुण की बात करते हैं। इसमें इससे हमें विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक सामग्री की प्राप्ति होती है, उसमें विश्वसनीयता भी होती है और वो उपयुक्त भी होते हैं, मतलब बहुत हद तक वो उपयुक्त भी होते हैं। इसके बाद हम द्वितीयक सामग्री में कुछ दोष या सीमाएं होती हैं। वो द्वितीयक सामग्री के दोष या सीमाएं, नंबर वन, व्यक्तिगत प्रलेखों द्वारा प्राप्त सामग्री व्यक्तित्व के बारे में विस्तृत जानकारी देती है, सामाजिक घटनाओं की जानकारी वो नहीं देती है। दूसरी बात, व्यक्तिगत प्रलेखों में बढ़ा चढ़ा कर दी गई जानकारी निष्पक्ष व विश्वसनीय नहीं होती है। निंदा व आलोचना के भय से लेखक अपनी कथाओं व पत्रों में सत्य का उद्घाटन नहीं करते हैं। घटनाओं का क्रमहीन जिक्र होता है। सरकारी आंकड़ों व वास्तविकता के बीच में कोई मेल नहीं होता और कई बार गोपनीय रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाते और इच्छित जानकारी मिलना दुर्लभ हो जाता है। लेकिन फिर भी एक हम कंक्लूजन अगर निकालें तो जब एक शोधकर्ता अपने शोध से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित करता है तो उसे अपने शोध में प्राथमिक द्वितीयक आंकड़ों को सम्मिलित करके और उसकी विश्वसनीयता की, निष्पक्षता की जांच करके अपने अध्ययन में क्रमबद्धीकरण, व्यवस्थीकरण और वर्गीकरण के माध्यम से सम्मिलित करना चाहिए ताकि शोध का जो उद्देश्य है उस शोध के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। बच्चों, अगली क्लास में मैं डेटास कलेक्शन भाग 2 पढ़ाऊंगी और इससे संबंधित अगर कोई क्वेरी होती है तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।